हाय बच्चों एंड वेलकम टू द सिलेबस ओवरव्यू सेशन ऑफ योर्स पिछला सेशन जो कि हमने पढ़ा अबाउट द सिलेबस अनरैपिंग जहां हमने ये सारी चीजें देखी कि किस तरह से आपका एंटायर कंप्लीट सिलेबस एग्जीक्यूटिव का कैसे एग्जिस्टेंस में आया वी स्टडीड मल्टीपल थिंग्स हमने काफी सारे चेंजेस के बारे में देखा 1947 के बाद ये सारी चीजें कैसे हुई कैसे अलग अलग पेपर्स एग्जिस्टेंस में आए वो पूरा स्टोरी हमने उठाया और अब बारी है हम ये समझें कि हमारे पेपर में हमें क्या क्या कॉन्टेंट दिए गए हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़ना है वील स्टार्ट विथ दिस पेपर ऑफ योर्स एंड दैट इज आपके एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल वन यानी कि ग्रुप वन का पेपर नंबर टू इज कंपनी लॉ ये वो पेपर है बच्चों जो कि आपके सिलेबस में एंड आने वाले भविष्य में भी आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी दिस इज वन ऑफ दैट पेपर ऑफ योर्स जिसका कि सिलेबस काफी डेप्थ डिटेल तो में दिया गया है काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है और बस उसी को थोड़ा सा समझने के लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं वेल well, अगर इसके डिटेल्स पर हम जाए तो एज यू कैन सी चीजें आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रही है आपका ये पूरा पेपर सिलेबस में आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले ठीक है पहला पार्ट जो है वो है कंपनी से संबंधित उसका लॉ दैट इज एक्ट प्रिंसिपल्स और पर आधारित जहां पचास नंबर के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है दूसरा जो पार्ट आपका है वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से जुड़ा है जहां कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स ये दो टर्म्स को आपको सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है फॉर फोर्टी मार्क्स हम समझेंगे मेंबर्स क्या है डायरेक्टर्स क्या है और इनकी मीटिंग्स कैसे होती है कैसे ये काम करते हैं किस तरह से ये कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट को संभालते हैं मीटिंग्स की क्या फॉर्मेलिटीज हैं ये कब कब हो सकती हैं डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन कैसे पे किए जाते हैं कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड कब है और डिस्कालीफाई कब हो जाता है और पुट टूगेदर फोर्टी मार्क्स में हम इसे पढ़ेंगे और इसके बाद तीसरा पार्ट जो है दैट इज ओनली फॉर टेन मार्क्स वो है कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन पर आधारित जहां आप ये सीखोगे कि आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट आर द कोड्स ऑफ कंडक्ट दैट आर टू बी फॉलोड बाय यू यानी कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद एक पूरा प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको फॉलो करना है अब भले ही आप प्रैक्टिस में जाते हैं या आप जॉब में जाते हैं और यदि इनका कंप्लायंस नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज हैं ये सारी चीजें हम हमारे 10 मार्क्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे तो ये हुआ मोटा-मोटा ओवरव्यू 50 40 और 10 ऐसे पार्ट्स में आपका ये सिलेबस डिवाइडेड है अब थोड़ा सा अगर डिटेल में जाकर के देखो तो ये जो आपका पहला पार्ट है दैट इज योर पार्ट ए जो पचास नंबर में आपको पूछा जाएगा यहाँ पर हमें तकरीबन ये पूरे फोर्टीन चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनका नाम आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बिगनिंग विद इंट्रोडक्शन टू अ कंपनी की कंपनी क्या है कंपनी लॉ क्या है कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कंपनी किस तरह से ऑपरेट करती है यहां से शुरुआत करते हुए कंपनी में उसके कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो या मेम्बर्स और शेयर होल्डर्स के कॉन्सेप्ट हो कैपिटल में भी शेयर कैपिटल अलग और डेप कैपिटल अलग है डिबेंचर्स हैं डिपॉजिट्स हैं बैंक लोन्स थ्रू चार्जेस हैं प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट है फिर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स और ऑडिटर्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग कार्पोरेट रिओर्गेनाइजेश्वेंटी वन का एक कॉन्सेप्ट एक्स बी आर एल का एक कॉन्सेप्ट और ग्लोबल डेवलपमेंट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन फोर्टीन चैप्टर्स में आप पढ़ने वाले हैं राइट फ्रॉम कंपनी कैसे काम करना शुरू करती है यानी कंपनी क्या है उसकी कैरेक्टरिक्स इट वर्क एंड डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड काफी चीजें इस सब पार्ट में कहा फिर उसके बाद आता है आपका ये पार्ट भी जिसके बारे में हमने अभी देखा था चालीस नंबर पर है और इस चालीस नंबर के लिए करीबन छह चैप्टर्स हैं जो कि हमें यहां पर पढ़ना रहेंगे each of this chapter is related to the meetings and the directors in a company and you know what this is that one part of your syllabus jo totally practical oriented hai practical case studies par based hai yahan puche jane wale sare questions case laws par aadharit hote hain कुछ case studies बनाकर आपको दी जाती हैं और आपको उन्हें समझने के बाद जवाब देना होता है कंपनी एक्ट के प्रावधान या प्रोविजन के हिसाब से वहां क्या करा जाएगा इन क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी होंगे तो आपकी यहाँ क्या एडवाइस है बताइए कंपनी को कि यदि ऐसा करना है है तो आपकी क्या एडवाइस बताइए कि कंपनी इस डेट पर मीटिंग कॉल करना चाहती है क्या वो कॉल कर सकती है या नहीं बताइए कंपनी इस व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें क्या वो कर सकती है या नहीं ऑल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पार्ट ऑफ योर पेपर यदि इस फोर्टी मार्क्स पे आप ग्रिप बनाते हैं जिसमें सिर्फ छह चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो ये आपके लिए सिक्सटी प्लस मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कमी लॉ के पेपर समझ रहे इतना हाँ अब उसकी टेक्निक्स क्या होंगी उसके तरीके क्या होंगे कैसे चीजों को याद करेंगे कैसे चीजों को रिकॉल करेंगे कैसे उन्हें दिमाग में फिट बैठाएंगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे हर एक टेक्निक के लिए वी हैव द डिटेल्ड लेक्चर जो आपको सुनना पड़ेंगे कैसे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड आपका इंस्टीट्यूटी बनाता है ठीक वैसे जैसे चार्ट इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है और मेगा फॉर्म्स का एक काउंस्ट टेन मार्क्स के लिए ये पोर्शन भी इक्वली स्कोरिंग होता है क्योंकि यहाँ पर चैप्टर तीन है मार्क्स दस हैं गिनती के दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बैठते हैं फिफ्टी वाले में प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं फोर्टी वाले में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सी यानी टेन मार्क्स में भी सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं होते हैं ये कैसे पूछे जाते हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या है और आप इन्हें एग्जाम में कैसे अपियर करने वाले हैं इसके लिए नीड टू स्टे टून क्योंकि आगे के जो भी आपके लेक्चर्स हैं उसमें आप इन सब ट्रिक्स और टिप्स को डिटेल में समझने और पढ़ने वाले हैं अभी के लिए बस इतना ही सी यू इन द रूटीनल लेक्चर्स वेरी सुन थैंक यू फॉर लिसनिंग बाय